हरे कृष्ण राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कान्हा जी कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है हरियाली तीज, आज 11 तारीख है और मैंने हरियाली तीज बहुत ही अच्छे से मनाई है अपने कान्हा के साथ। और उनका जो झूलन उत्सव है, हिंडोला उत्सव है और झूलन उत्सव की झांकी है बहुत ही सुंदर तरीके से सजाई है। और मुझे तो लग रहा था पूरा वृंदावन ही यहाँ पे आ गया है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य था। और ये सीन है गांव का हमारे। तो आज हरियाली तीज है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को हरियाली भी दिखा दी जाए, रियल वाली, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो रियल वाली हरियाली है नहीं, तो गांव का सीन हमने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ यमुना नदी है, बाढ़ आ गई है। तो घर के पास का है ये वाला सीन है, तो बहुत सुंदर दृश्य है ये। और आज के दिन तो और भी सुंदर लग रहा है क्योंकि मन में हो जाता है ना कि हरियाली तीज है और सावन है, तो बहुत सुंदर ये दृश्य लगता है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर में, देखते हैं अपने मंदिर में कि हमारे कान्हा गिधर क्या कर रहे हैं। तो सुबह का समय है, कान्हा गिधर भी जग चुके हैं और वो दूध का भोग लगा रहे हैं, उसके बाद स्नान करेंगे। तो गौ माता के साथ कान्हा गिधर दूध का भोग लगा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था तो मैंने वीडियो बना ली। और ऐसे सीन बहुत ही सुंदर लगते हैं, गौ माता है सामने दूध रखा है और कान्हा गिधर भोग लगा रहे हैं। और कान्हा गिधर स्नान कर चुके हैं, उनको मैंने रेडी कर दिया है। और ये तीसरा भोग है, सब्जी पूड़ी मैंने बनाई थी और ये है अरबी की सब्जी और पूड़ी। उसके बाद फिर हमने कान्हा गिधर के लिए झूलन के लिए बगीचा सजाया था, यानी कि झूला झूलने के लिए। ये वाला बगीचा तो ऑलरेडी है लेकिन मैंने दूसरा बगीचा सजाया था, यही सामान था लेकिन मैंने ज़मीन में सजाया था, ये तो अलमारी में है। तो कान्हा गिधर अभी भोग लगा रहे हैं पूरी सब्जी का, और जब भोग लगा लेंगे उसके बाद फिर हम उनके लिए बगीचा तैयार करेंगे। तो साथ बनी रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा। तो चलिए दिखाती हूँ कान्हा गिधर का बगीचा। तो कान्हा गिधर का बगीचा मैंने रेडी कर दिया है और बहुत ही सुंदर सीन है। यहाँ पे ये एंट्री गेट है, यहाँ पे हाथी थे और यहीं पे हमारे गौ माता हैं, और ये पेड़ है और सामने झूला है, झूला के नीचे चौकी है चढ़ने के लिए कि ऊंचाई में झूला। और ये हमारे कान्हा गिधर और पीछे हैं मैया यशोदा और नंद बाबा। तो चलिए पूरा सीन आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, और पास से आपको दिखाऊंगे तो और अच्छा लगेगा। और बगल में हमारी तुलसी मैया, और तुलसी मैया को मैंने ग्रीन लहंगा पहनाया हुआ। तो ये देखिए झूला यहाँ पे मैंने सजाया है और थोड़ा ऊंचाई में सजाया है, यहाँ पे मैंने लकड़ी का जो पटरा होता है वो रखा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य ये है, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा दृश्य लग रहा है ये। तो कान्हा गिधर भी मैया यशोदा और नंद बाबा के पास बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, उसके बाद उनको हम झूला झुलाएंगे। तो चलिए आपको पहले दिखा देती हूँ पूरा दृश्य। और कान्हा गिधर तो ये वाला ड्रेस पहन के बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, उनको उनके लिए मैंने पगड़ी बनाई थी, सुबह सुबह बनाई थी, क्रीम कलर की पगड़ी है। और यहीं भी मैंने चारपाई भी लगाई है, ऐसा फील है कि गाँव का सीन है। तो मुझे ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने ज़माने के तरीके से सजाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब आपको पूरा सीन दिखा देते हैं ऊपर से। यहाँ पे मैया यशोदा और कान्हा जी हैं, मुझे ये सीन बहुत ही प्यारा लगता है। और ये हमारी तुलसी मैया, और तुलसी मैया में विराजित हैं हमारे कान्हा जी और राधा रानी। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, और तुलसी मैया ने भी पहना हुआ है ग्रीन लहंगा, तो देख सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ लुक आ रहा है, और चौकी भी सजी हैं वहाँ, कान्हा गिधर के मोजरी हैं वो रखी हुई हैं, क्योंकि पहले कान्हा गिधर बैठे थे चारपाई में, बाद में मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए अब कान्हा गिधर को हम झूला झुलाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, हमारे कान्हा गिधर विराजित हो चुके हैं झूले में, और ये उनकी मोजरी चौकी में आ चुकी हैं क्योंकि यहाँ से वो चढ़े हैं झूले में।
तो चलिए दिखाते हैं कान्हा गिरधर झूले में विराजित होके कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये देखिए हमारे कान्हा गिरधर विराजित हैं, तुलसी माला पहने हैं और पगड़ी लगाए हैं और धोती कुर्ता पहने हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं वो। तो अब मैं उनको झूला झुलाऊंगी, आइए आप भी झूला झुला लीजिए। पधारो झूकी आए बदरा प्यारी, झूलने पधारो झूकी आए बदरा प्यारी, झूलने पधारो झूकी आए बदरा प्यारी, झूलने पधारो झूकी आए बदरा करे कर बदरा, झूकी आए बदरा करे कर बदरा। हमारे कान्हा गिरधर अब झूला झूल चुके हैं, अब हम उन्हें झूले से उतार लेंगे और उन्हें मैया यशोदा और नंद बाबा के पास विराजित कर देंगे। और जब से नंद बाबा और मैया यशोदा आई हैं तब से तो कान्हा गिरधर किस खुशी का ठिकाना ही नहीं है। तो झूला से उतारने के बाद उन्हें भूख लगाई होगी क्योंकि छोटे से बच्चे हैं वो, और झूला झूलते झूलते थक गए हैं। तो चलिए उनको हम भूख लगा देते हैं। तो पहले अच्छे से विराजित कर देती हूँ, फिर उनके लिए मैं भोग लगाती हूँ, उनकी मुरली उनके पास रख देती हूँ। मुरली के बिन तो बिल्कुल रहती नहीं है, मुरली तो उनको चाहिए चाहिए। तो चलिए उनके सामने चौकी रखते हैं, फिर उनके लिए हम कुछ खाने के लिए लाते हैं। कान्हा की पगड़ी तिरछी हो गई है तो कान्हा की पगड़ी को भी मैं सीधा कर दूँगी, उसके बाद फिर भोग लाऊँगी। ये देखो लल्ला पगड़ी तिरछी हो रही, मेरे ही हाथ लग जाता है बार बार। ये देखो अब सही हो गई। तो चलिए अब कान्हा के लिए मैं लाती हूँ भोग। तो भोग आ चुका है, भोग में है चने और अनारदाने और दूध। घोड़े गिर जाते हैं। तो हम भोग लगा रहे हैं कान्हा गिरधर को और अभी हम इसमें अर्पित करेंगे भोग में तुलसी दल। तो चलिए तुलसी पत्र हम तोड़ लेते हैं और तुलसी मैया तो यहीं विराजित हैं, तो चलिए यहीं से तोड़ लेते हैं। मैं पहले गई थी बालकनी में, मुझे याद ही नहीं था तुलसी मैया यहाँ पे हैं, दिमाग घूम जाता है मेरा। फिर वहाँ से लौट के आई तो मैंने कहा ये तुलसी मैया तो यहीं विराजित हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो अब मैं कैमरा ऑफ करने करके फिर भोग लगाऊंगी। तो मैं पहले पानी ले आई हूँ कान्हा गिरधर के लिए, पानी भी तुलसी दल अर्पित कर दिया है। तो चलिए कैमरा बंद करती हूँ और इसके बाद की वीडियो तुरंत बनाती हूँ इसी ब्लॉग में। तो पहले आज भोग लगा दूँ अच्छे से, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो कान्हा गिरधर को मैंने भोग लगा दिया है और ये वाला दृश्य तो मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है बस इनको देखती रहूँ, जब मैं माला करती हूँ जब करती हूँ तो इन्हीं को निहारती हूँ, और कब माला पूरी हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है। मुझे ओखल वाले कान्हा जी जब मैं ये सुधर डांटती हूँ उनको मुझे बहुत पसंद है। और ये संध्या का समय है, संध्या हो गई थी तब उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी। और दिया इसलिए तेज चल रहा है क्योंकि हमने जलाया है तिल के तेल का दीपक, क्योंकि घी ख़त्म हो गया था और जो तेल है तो तेल आग पकड़ लेता है, तो लास्ट में तो तेल ने वही आग पकड़ लिया था इसलिए इतने तेज दीपक जल रहा था। घी का दीपक होता है वो इतना तेज नहीं जलता है। तो संध्या आरती हो चुकी है, अब कान्हा गिरधर को मैं फिर से भोग लगाऊंगी। ये ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।